अगर आप अपने गार्डन में फूल और फल के पौधे लगाए हैं तो इस समय यानी कि फरवरी महीने में उसके साथ कुछ न कुछ काम जरूर आपको करने चाहिए, तब आपके पौधे पूरे साल अच्छे खासे फूल देंगे। तो आज मैं गुलाब के विषय में आपसे बात करूंगी कि गुलाब को फरवरी में क्या देना चाहिए, क्या इसके साथ काम करें कि पौधा पूरा साल आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े साइज का फूल देता है। मैं आपसे वीडियो भी शेयर करती हूँ। मैं अभी गुड़हल का फूल इसमें डाली थी तो वीडियो आपसे शेयर करी थी, तो उसको देने के बाद इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला कि देखिए बहुत बड़े बड़े साइज की कलियां बन रही हैं, बहुत फूल निखरा हुआ आ रहा है, बड़े बड़े साइज के एक एक ब्रांच में तीन तीन चार चार फूल आ रहे हैं, तो उसी सबका नतीजा है। अब इसके बाद इस समय यानी कि फरवरी में हमको क्या देना चाहिए कि पौधा आगे भी गर्मी में अच्छा खासा ग्रोथ लेकर के चले, और आप देख सकते हैं नए नए ब्रांच बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, और इसकी कटाई छटाई हम जो है नवंबर में ही किए थे, अभी हम इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हर ब्रांच कलियों से भरा हुआ है, जब ये फूल जाएगा तब फिर हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो आप फूल लेने के बाद हर ब्रांच को जरूर काट दिया करें, आप समय का इंतज़ार न करें, बिल्कुल हमारे तरीके से, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप चाहें कुछ टिप्स मैं आपको इसमें बताऊँगी इस समय क्या करना चाहिए पौधे के साथ। तो देखिए अगर आपके गुलाब में अधिक रूट्स हो गए हैं, बड़ा पौधा है या पुराना पौधा है तो रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारा यह बिल्कुल नया पौधा है तो इसमें बिल्कुल भी इस समय ज़्यादा रूट्स नहीं हैं और हम इसकी मिट्टी भी नहीं बदलेंगे। तो आप रूट्स ज़्यादा है तो रिपार्ट कर दीजिए इस समय, यानी कि ये बहुत ही परफेक्ट समय होता है पौधा रिपार्ट करने का, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही निकाल करके दो तीन दिन आप पौधे में पानी न दीजिए और उसके बाद इस गमले को लिटा करके आप यहाँ से पकड़ करके जड़ निकाल करके दूसरे गमले में थोड़े और मिट्टी गोबर डालकर शिफ्ट कर दीजिए। तो आप एक काम इस समय कर सकते हैं अगर रूट्स ज़्यादा हैं तो, अगर कम रूट्स हैं नया पौधा है तो इस समय बिल्कुल उसको कोई डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ इसकी गुड़ाई कर दें। तो आप देखिए मैं सुबह सुबह इसकी जो है गुड़ाई कर दी हूँ ताकि इसमें अच्छे से थोड़ा सा धूप लग जाए, धूप इस समय हो रहे हैं तो धूप लग जाए और थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन इसके रूट्स में हो जाए, अच्छे से थोड़ा सा अंदर हवा चला जाएगा तो इसके जो है नमी, जो नीचे की नमी है वो खत्म हो जाएगी। तो सुबह ही हम कर दिए हैं, अच्छा धूप था तो अब हम शाम को इसको कुछ खाद देंगे, तो वही हम आज आपको बताएंगे कि आपको भी ये काम जरूर करना है। तो देखिए जैसे नीचे अगर कोई भी ब्रांच आए तो उसे आपको जरूर हटा देना है, तो मैं एक नीचे ब्रांच था उसे मैं हटा दी हूँ। अब मैं इसमें क्या दूंगी, क्या जरूरी चीज है इसको इस समय देना, इसको इस समय पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस हर चीज की जरूरत पड़ेगी, तभी पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा आगे भी, और अच्छे अच्छे इसमें नए नए ब्रांच आएंगे और जो पुराने पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, सारे गिर जाएंगे, आप देख सकते हैं नए नए छोटे छोटे से बहुत सारे बहुत ब्रांचे आ रही हैं इसमें। तो इस समय जब आप कटाई ना करें, तो कटाई कर चुके हैं नवंबर में तो इस समय पे बिल्कुल ना करें, अगर नहीं किए हैं तो यह परफेक्ट समय है, आप इसकी छटाई भी कर सकते हैं, यहाँ से जड़ से एक बित्ता ऊपर करके यहाँ से आप इसको कट करके हटा दीजिए बिना मुरव्वत, आगे आपका पौधा बहुत ही अच्छा हेल्दी और खूबसूरत और भर जाएगा फूलों से। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फूल इसमें खिले हुए हैं कि देख करके मन खुश हो जाता है, और कितनी ज़्यादा कलियाँ बनी हुई हैं देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, और यह बिल्कुल 8 इंच का ग्रो बैग है। तो अब हम इसमें खाद देंगे, तो खाद देने के लिए हमें क्या करना है, इसकी मिट्टी को किनारे की मिट्टी इसके जड़ के पास लगा देनी। देखिए इससे पहले हम इसमें जो गुड़हल का फूल और कपूर वगैरह दिए थे, कपूर तो खैर नहीं दिखेगा लेकिन गुड़हल का फूल आपको कहीं भी दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल इसमें डीकम्पोस्ट हो गया है, उसी का इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है देखिए। तो आप ज़रूर
हमारे तरीके से गार्डनिंग करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब हम इसकी मिट्टी को देखिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का मॉइस्चर है। हमको खाद देने से पहले ये काम जरूर करना है। अगर आप रिपाट या मिट्टी न बदलें तो आप गुड़ाई करके पूरे दिन के लिए ज़रूर इसको छोड़ दें, सिर्फ दिन भर के लिए। उसके बाद शाम को आप इसमें खाद वगैरह दे दें। तो देखिए देना क्या है, यह सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस समय इसको दे देनी है, तो यह है केले का छिलका, कच्चे केले का छिलका है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और पोटेशियम दोनों होता है। अगर आपको ये न मिले तो इसकी जगह पे आप प्याज के ऊपरी परत के छिलकों को ले सकते हैं, या पके केले का छिलका भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कच्चा केला का छिलका मिल जाए तो वह बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन भी पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद यह है एक चम्मच चूना, जो पान में लोग चूना खाते हैं ये वही चूना है। इससे जो है बहुत अच्छा कैल्शियम पौधे को मिलेगा। तो इसे हम जो है दिन भर के लिए ऐसे ही हवा में रख दिए थे, दो तीन दिनों के लिए, अच्छे से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, तब देने में बहुत ही आसानी भी रहता है और मात्रा का भी सही अंदाज रहता है। तो आपको ये ज़रूर करना है, गीला आपको नहीं डालना है। अब आपको करना क्या है, एक जगह आप इसको गिरा दीजिए इस तरह से, और पूरे मिट्टी में आपको फैला देना है इस तरह से। ये चूना क्या करेगा, इसकी जितनी भी कलियां आप देख रहे हैं ना, ये सारी कलियों को खिलने देगा अच्छे से, जैसे बड़े बड़े साइज के फूल आएंगे, और कली एक भी नहीं गिरेगी। यह काम यह चूना करता है। और यह केले का छिलका क्या करेगा, इसमें कली बनाने में मदद करेगा। जब तक पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस इसको नहीं मिलेंगे, यह पौधा कली नहीं बनाएगा। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसको इस समय क्या देंगे, जब हम इसको इसका रिपाट नहीं कर रहे हैं या मिट्टी नहीं बदल रहे हैं, तो ये हमको दे देना है, यह 3 मुट्ठी है बर्मी कंपोस्ट। यह डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बर्मी कंपोस्ट न डालना चाहें, गोबर की खाद डालना चाहें, तो आप मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है, या जो है केंचुए के मल का होता है, तो यह गोबर की खाद से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यह 3 मुट्ठी हम बर्मी कंपोस्ट इसमें डाल रहे हैं। अब आप अपने पौधे के उम्र के हिसाब से उसको खाद दीजिए, जैसा आपका पौधा रहे उस हिसाब से आप खाद दीजिए। अगर बड़ा है तो मात्रा बढ़ा लीजिए, छोटा है तो मात्रा कम करिए। इस तरह से अब आपको करना क्या है, जो यहाँ हम मिट्टी लगाए थे इसको मिला देंगे इसी में, इस तरह से, और इस तरह से मिला देंगे अच्छे से। यह सब जगह जो है इसके हर रूट्स को मिल जाएगा। आप बर्मी कंपोस्ट अगर इस समय डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर नहीं डालते हैं तो गोबर की खाद आप 3 मुट्ठी के बजाय 6 मुट्ठी ले लीजिए। वो भी पुरानी होनी चाहिए, बिल्कुल 1 साल पुरानी, 6 महीना से कम आप बिल्कुल नहीं डालिए। उसके बाद आप जो है इसमें पानी डाल दीजिए, पानी इतना ही डालिए कि पानी बाहर न निकले, ड्रेनेज होल से पानी इस समय बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है अपने गुलाब को, गुलाब को पानी बहुत कम चाहता है, बस इतने से धीरे धीरे जब ज़रूरत हो 3-4 दिन के अंतराल में आप इसको पानी दीजिए। पर डे आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप देख सकते हैं आपका पौधा हमेशा बड़े बड़े फूलों से भरा रहेगा। कभी भी आपके छोटे से पौधे में भी फूल आना बंद नहीं होंगे। देखिए कितने बड़े बड़े ब्रांच और बड़े बड़े फूल हैं। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको आज का ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पौधे का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।